हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ अलग से टाइप के गेम जो कि आप लोग हमेशा से यार पूछते रहते हो और बोलते रहते हो कि भाई स्टोरी बेस्ड गेम चाहिए। तो हाँ भाई, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ टॉप 10 स्टोरी बेस्ड गेम जो कि आप लोग डेफिनेटली अपने एंड्रॉयड और आई डिवाइसेस पे खेलने वाले हो। सारे गेम्स काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं और इस वीडियो में बोनस गेम भी कुछ ऐड होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे टॉप 10 की जगह टॉप 15 स्टोरी बेस्ड गेम मिलने वाले हैं। तो भैया जल्दी से मेरे दूसरे चैनल को तो जल्दी से जाके कर दो पहले सब्सक्राइब, यानी रबीर गेमिंग को, और अगर वहाँ के गेम प्ले वगैरह नहीं देखे तो वो भी जाके देख ले रहा। तो भैया आप सीट बेल्ट कस लो क्योंकि शुरू करने वाले हम आज का वीडियो। दोस्तों नंबर फर्स्ट में निकल गया था हमारे पास मिम्पी। अब यहाँ पे जो गेम रहने वाला है ना, इसमें आप लोगों को स्टोरी देखने को मिल जाएगी एक डॉग की जो कि अपने मालिक से अलग हो गया है। अब यहाँ पे आप लोगों का काम यह है कि उसकी स्टोरी में आप लोगों ने उसका साथ देना है और उसको मिलवाना है उसके मालिक से। तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले तो ढूंढना होगा वो पॉइंट और वो जगह जहाँ पे वो अपने मालिक से अलग हुआ था, और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि भाई वो क्यों अलग हुआ था, कैसे अलग हुआ था, उसकी मालिक की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और भाई ये सारा कुछ कैसे हो गया। और आप लोग ये सारा कुछ खेलने वाले एक प्लेटफॉर्म चाइल्ड के ग्राफिक्स के अंदर, जिसमें आप लोगों को काफ़ी अमेजिंग एक एरिया देखने को मिलेगा, बहुत सारी पदल भी हैं और मज़ा आता है गेम खेल के। गेम का साइज छोटा सा है, यानी कि 200 MB के अंदर गेम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और डेफिनेटली गेम तो ऑफलाइन रहेगा ही रहेगा इस देश के बाकी सारे गेम्स की तरह। तो गाइस चलते हैं इसी के साथ में आगे, और इसमें नंबर सेकंड गेम पे निकल के आता है गॉड ऑफ वॉर गोस्ट ऑफ स्पार्टा। अब यहाँ पे ये जो गेम है ना, आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट अपने एंड्रॉयड आया जो है इसमें नहीं देखने को मिल जाएगा, बल्कि आप लोगों को डाउनलोड करने पड़ेगा एक ऐप जिसका नाम है PPSSPP एमुलेटर, और जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, और फिर आप लोग गॉड ऑफ वॉर की रोम डाउनलोड करोगे उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आप लोग कोई भी वीडियो छोटी सी देख लेना यूट्यूब पे कि रोम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं PPSSPP एमुलेटर में, और आप लोग मज़े कर सकते हो। एक कॉन्सोल लाइक ग्राफिक्स तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्सोल क्वालिटी गेम अपने एंड्रॉयड और आई डिवाइसेज के अंदर। तो भाई गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है कोई 7 GB का राउंड अबाउट। स्टोरी काफ़ी तगड़ी है और आप लोगों को अपना क्रेटोल देखने को मिल रहा है, तो और क्या ही चाहिए भाई गेम से। गेम का साइज यहाँ पे बता ही चुका हूँ और गेम तो ऑफलाइन रहेगा ही रहेगा। तो भाई बढ़ते हैं आप आगे, और लिस्ट में नंबर 3rd भी निकल के आता है द डार्क नाइट राइजेस। अब अगर आप लोग इस शानदार से गेम के बारे में नहीं ना जानते तो भाई कौन से पत्थर के नीचे दबे हुए थे, या आखिर आप लोग कैसे गेमर हो तो आप लोगों को इतने कमाल के गेम के बारे में नहीं पता। ये गेम हम लोगों के पास वार्नर ब्रोस की तरफ से आया है, और भाई साहब ये होने वाला है बैटमैन वाला गेम, जिसमें आप लोगों को बैटमैन अपना देखने को मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड कैरेक्टर, हमारे बचपन का सुपर हीरो। और भाई इसको खेल के बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग आएगी, और अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस भी है तब भी ये गेम स्मूथली चल ही जाएगा। गेम का साइज यहाँ पर रहने वाला है 490 MB, कुछ फाइल वगैरह डाउनलोड करके 1 GB तक गेम का सही चला जाता है। गेम ऑफलाइन है, और आप लोगों को यहाँ पे अपना सबसे ज़्यादा अपना नहीं यानी कि बैटमैन का सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमी यानी बेन भी देखने को मिल जाता है, और भाई काफ़ी तगड़ी स्टोरी है, बैट मोब भी देखने को मिल जाती है, और आप लोगों को बैट बाइक भी देखने को मिलेगी, तो मज़ा आएगा। ओपन वर्ल्ड एरिया में घूमो फिरो और स्टोरी को एक्सप्लोर करो। तो वैसे इसी के साथ में बढ़ा जाए आगे, इसमें नंबर 4th गेम की बात की जाए तो निकल के आता है ड्रैगन कैंसर। अब ये एक ऐसा गेम है जिसमें आप लोगों को पोलिश स्टाइल के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, ये स्टोरी देखने को मिल जाएगी एक फैमिली की जो कि एक अलग से आइलैंड पर जाके फंसी हुई है। अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये तो आप लोग स्टोरी खेलोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, और गेम खेलोगे तो आप लोगों को समझ आएगी। बाकी गेम में आप लोग देख सकते हो अमेजिंग से ग्राफिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये रियलिस्टिक ग्राफिक्स नहीं देखने को आप लोग कह सकते कि मिलेंगे, लेकिन काफ़ी शानदार वाले ग्राफिक्स हैं। और भाई शायद भी छोटा सा है, यानी 860 MB का गेम रहने वाला है। अगर स्टोरी बेस्ड गेम के हिसाब से देखा जाए तो साइज नॉर्मल है भाई, और गेम ऑफलाइन तो रहेगा ही रहेगा। अगर इस बढ़ते हैं आगे लिस्ट में नंबर 5th गेम की तरफ जो कि निकल के आता है गैब्रियल नाइट्स। अब यहाँ पे ये जो गेम है ना, एक डिटेक्टिव स्टाइल का होने वाला है, और आप लोगों को कैमरा एंगल थोड़ा सा अजीब सा आप लोग कह सकते हो देखने को मिलेगा, लेकिन भाई साहब वो बिल्कुल ड्रोन व्यू कैमरा एंगल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये वाला व्यू आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। गेम में आप लोग एक डिटेक्टिव की स्टोरी प्ले कर रहे हो, और उसको भाई साहब बहुत सारे क्राइम सीन्स पे जाना होता है, और भाई साहब पता कराना होता है और करना होता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। इसके अलावा आप लोगों की अपनी एक स्टोरी चल रही है, अपनी एक लाइफ चल रही है जिसको आप लोग प्ले करने वाले हो। गेम का साइज रहने वाला है कुछ 1.4 GB के राउंड अबाउट, और मज़े का तगड़ा गेम है और ऑफलाइन तो है ही है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे इसी के साथ में, और लिस्ट में नंबर 6th में निकल के आता है टाइप मैन मोबाइल।
या टाइपो मैन मोबाइल, जो भी आप लोग समझो आप लोग कह सकते हो। अब ये भी एक 3D स्टाइल का आर्केड वाला गेम रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजे के करेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे। एक स्टिकमैन टाइप का करेक्टर है और उसकी स्टोरी आप लोग प्ले करने वाले हो। आप लोग ऐसे कह सकते हो कि जो लिम्बो गेम है ना, अगर आप लोगों ने वो खेला है तो उस टाइप के ग्राफिक्स और उस टाइप की स्टाइल का ये गेम आप लोगों के पास देखने को आपको मिलेगा। गेम पहले ही प्ले स्टेशन पर रिलीज़ हो चुका हुआ है और भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये अच्छा भी लगा था गेम, तो आप लोग डेफिनेटली एक ट्राई तो दे ही सकते हो इसके मोबाइल वाले वर्जन को। गेम का साइज रहने वाला है 350 MB और ऑफलाइन तो ये गेम रहेगा ही रहेगा। तो गाइस इसी के साथ में बढ़ा जाए आगे और लिस्ट में नंबर 7 गेम की बात की जाए तो वो निकल के आता है हीरोज़ रीबॉर्न। अब यहाँ पे जो गेम है ना, ये मिलता जुलता आप लोगों को लगेगा जो PC का एक हाल फिलहाल में रिलीज हुआ था गेम, जिसका नाम था कंट्रोल। अब इस गेम में आप लोगों का जो करेक्टर है ना, वो उसके पास सुपर पावर है, कर अपने हाथ के साथ वो किसी भी चीज़ को मूव कर सकता है, उठा के इधर उधर फेंक सकता है, पोर्टल खोल सकता है और भाई बहुत कुछ कर सकता है। अब आप लोगों का करेक्टर है कौन, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मिशन क्या है, उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, ये तो आप लोग गेम खेल के ही पता करोगे ना भाई। अब सब कुछ मैं बता दूंगा तो गेम खेलने का क्या ही मज़ा आएगा आप लोगों को। गेम का साइज यहाँ पर रहने वाला दोस्तों पूरा का पूरा 1.6 GB और अच्छा तगड़ा गेम है, एक दफ़ा आप लोग खेलोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद ही आएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ में आगे और लिस्ट में नंबर 8 गेम की बात की जाए तो वो निकल के आता है टिल मॉर्निंग लाइट्स। अब ये जो गेम है ये एक थोड़ा सा पुराना तो है लेकिन काफ़ी तगड़ी स्टोरी आप लोगों को प्रोवाइड कराता है गेम। अब इस गेम में रहना ये वाला है कॉन्सेप्ट की एक लड़की है जो कि एक घर में फंस चुकी है, या आप लोग कह सकते हो एक कैसल में फंस चुकी है, और भाई उसको सुबह होने तक का इंतज़ार करना है ताकि वो वहाँ से निकल सके। लेकिन ये एडवेंचर इतना आसान नहीं होने वाला, जैसे GTA नहीं चल रही कि भाई साहब ऐसे आँख झपकने में सुबह हो गई, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर एक बहुत लंबा एक लॉन्ग प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टोरी का, और जो सारी रात का जो उस लड़की के साथ हो रहा है वो भाई साहब डिफरेंट एनिमी से लड़ रही है, और भाई साहब आप लोगों को एक रात के अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट करना है, सारे एनिमी से लड़ना भी है और भाई बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढना है। तो गेम काफ़ी शानदार से है, गेम का साइज़ है 650 MB, ऑफलाइन गेम है। हाँ ग्राफिक्स डिसेंट लेवल के हैं, हाई क्वालिटी के नहीं है, लेकिन अच्छा गेम है, एक दफ़ा खेलोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद ही आएगा। तो दोस्तों बढ़ते बढ़ते चलते चलते भगते भगते निकल के आ गया इसका नंबर 9th यानी सेकंड लास्ट का गेम जो गया है 1979 रेवोल्यूशन। अब आप लोगों में से शायद से कुछ ऐसे लोग हो जिनको इस गेम के बारे में पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, इस गेम में होने ये वाला है कि 1979 की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पे भाई साहब दो अपोजिंग फोर्सेस हैं जिनके बीच में आप लोगों के दो करेक्टर फंस चुके हैं। अब ये दो करेक्टर कौन है, ये है भाई साहब आप लोग कह सकते हो एंकर या न्यूज़ कलेक्टर, और भाई ये दोनों फोर्सेस के बीच में फंस चुके हैं और आप लोगों ने अब भाई साहब इनको बचाना है, इनकी जिंदगियों का फैसला आप लोगों के हाथ में है। अब गेम में ये एक ऑप्शन वाला गेम होने वाला है और गेम में आप लोगों की चॉइसेस जो हैं वो भाई साहब गेम पे इफेक्ट करने वाली है, जैसा कि आप लोगों को अब हाल फिलहाल की गेम्स में देखने को मिलता है ना कॉन्सेप्ट, आप लोगों को चार चॉइसेस दी जाती हैं और आप लोगों ने चूज़ करना है कि आप लोगों ने क्या करना है अपने करेक्टर के साथ। तो ऐसा कुछ गेम में भी कॉन्सेप्ट रहने वाला है और आप लोगों के भाई साहब जो डिसीजन है ना वो गेम पे इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो भाई साहब बहुत सोच समझ के आप लोगों ने खेलना है गेम, क्योंकि उन दोनों की ज़िंदगी आप लोगों पर डिपेंड करती है। गेम का साइज़ है 2 GB, गेम ऑफलाइन है और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं आगे और लिस्ट का नंबर लास्ट है नंबर 10th के गेम की बात की जाए तो वो निकल के आता है लाइफ इज स्ट्रेंज आफ्टर द स्टॉर्म। अब ये लाइफ इज स्ट्रेंज पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं खेला तो आप लोग वो भी खेल सकते हो मेरी पिछली स्टोरी बेस वाली गेम में, उसके लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को नहीं बताई स्टोरी बेस, वो उन वीडियोज़ में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे लाइफ इज स्ट्रेंज आफ्टर द स्टॉर्म की अगर बात की जाए तो आप लोगों को ये काफ़ी तगड़ा हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वाला गेम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को कंट्रोल करने को मिलेगी एक स्टोरी, आप लोगों के हाथ में दी जाएगी एक लड़की, ऐसे यानी कि हाथ में नहीं दी जाएगी, उसकी स्टोरी दी जाएगी और आप लोगों ने भाई साहब उसके साथ उसकी जर्नी पे उसकी मदद करनी है। और वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, उसके पास सुपर पावर है कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि उसके हाथ में है टाइम को रिवाइंड करना और चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज करना या चीज़ों को बेहतर करना। तो आप लोगों ने स्टोरी के साथ उसके साथ आगे बढ़ना है और भाई साहब पूरा वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है, तो आप लोगों ने बचाना है जल्दी से जाके पूरे का पूरे वर्ल्ड को। तो क्या करे हो, इधर जल्दी से जाओ और वर्ल्ड बचाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड आप लोग आराम से कर सकते हो। 2.3 GB का ये गेम रहने वाला है और तगड़े ग्राफिक्स और मज़े का गेम रहेगा। तो भाई ये थे सारे के सारे गेम जो कि आज की स्टूडियो में बताने थे, अरे रुको बोनस गेम तो मैं भूल ही गया। तो दोस्तों आज की स्टूडियो में आप लोगों को टॉप 5 बोनस गेम भी देखने को मिलेंगे जो कि स्टूडियो बेस्ड गेम है और काफ़ी तगड़े वाले ग्राफिक्स सब गेम के होने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे पास निकल के आते हैं अ ब्रदर टेल्स ऑफ टू सन, उसके बाद हमारे पास है फॉरगेटन मेमोरीज, इसके बाद हमारे पास निकल के आता है फॉरगेटन एना,
इसके बाद हमारे पास निकल के आता है इनकोडिया, और भाई लास्ट में हमारे पास निकल के आता है फॉरगॉटन मेमोरीज। और भाई साहब ये सारी गेम्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े ग्राफिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराती हैं, और सारी गेम्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और इसमें से अगर आप लोगों ने एक गेम का गेम प्ले देखना है, यानी कि ब्राइट मेमोरीज का गेम प्ले देखना है, तो मेरे चैनल पे यानी डबील गेमिंग पे मैंने उसका पूरा का पूरा भाई साहब गेम प्ले अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग जाके वहाँ से मज़े से देख सकते हो और गेम का एक्सपीरियंस ले सकते हो कि कैसा गेम रहने वाला है, और फिर आप लोग डाउनलोड आराम से कर ही सकते हो। तो भैया बस ये थे वो सारे के सारे गेम जो कि आज के स्टूडियो मैंने आप लोगों को बताए थे। होप तो ये है कि सारे गेम्स आप लोगों को पसंद आ गए होंगे। अब आप लोगों को सारे गेम्स पसंद आया या कोई एक गेम भी पसंद आ गया है तो भाई साहब एक लाइक तो वर्थ करता है वो, यानी कि एक लाइक तो बनता ही है इस बात पे, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही देना यार। अब इतनी दूर तक आ गए हो मेरे चैनल तक तो सब्सक्राइब किए बिना कैसे ही जाओगे, तो जल्दी से मार दो सब्सक्राइब। और बस मेरे दूसरे चैनल पर भी आप लोग विजिट मार सकते हो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार गेम कुछ और मज़ेदार बातों के साथ। तब तक के लिए रखो अपना ख्याल, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय यानी गुड।